वंदे मातरम साथियों, मैं शालिनी वर्मा सबका स्वागत करती हूँ। जब मैंने ग्रीन तारा माँ का वीडियो डाला तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। मंत्रा चैंटिंग के लिए भी आप लोगों ने डिमांड की, तो मैंने मंत्रा चैंटिंग का वीडियो भी डाला। ग्रीन तारा माँ कौन है, अब तक आप लोग सभी परिचित हो चुके हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ग्रीन तारा माँ की स्टेच्यू मूर्ति आप घर में किस जगह पे रख सकते हैं, कैसे आप उनको फंक्शन के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। ग्रीन तारा माँ को एक बहुत अच्छी एनर्जी के रूप में आप अपने घर में भी प्लेस कर सकते हैं। आज मैं आपको वही बताऊंगी। ग्रीन तारा माँ कौन है? तिब्बत की देवी महादेवी के रूप में इनको जाना जाता है। यूं तो तिब्बत में 21 तारा देवी होती हैं, लेकिन मूल रूप से व्हाइट तारा देवी और ग्रीन तारा माँ को, व्हाइट तारा माँ और ग्रीन तारा माँ को हम ज्यादा जानते हैं। ग्रीन तारा जो माँ है, बोधिसत्व, एक महिला बोधिसत्व के रूप में उनको जानते हैं, यानी कि बौद्ध, जितने भी बौद्धिष्ट लोग हैं वहां पर उनकी माँ के रूप में उनको जाना जाता है। और हमेशा ग्रीन तारा माँ की जो अर्चना है वो उनके मंत्र के द्वारा तिब्बत में की जाती है। ग्रीन तारा माँ का मंत्र भी मैंने आपको बताया ही था, ओम तारे तूरे सोहा। तो ये मंत्र भी आप जब चाहें तो जाप करके माँ की एनर्जी, माँ की ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। पर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि माँ की मूर्ति घर में कहाँ रखें। अगर आपको ग्रीन तारा माँ पसंद है, उनकी एनर्जी आपको अच्छी लग रही है, आपका मन कर रहा है कि ग्रीन तारा माँ मेरे भी घर में मैं रखूं, तो आप कहाँ पर रखेंगे? ग्रीन तारा माँ की जो बॉडी होती है ना, ग्रीन कलर की होती है, यानी ग्रीन कलर की एनर्जी है। राइट हैंड में उनके एक ब्लू कलर का लोटस है, मतलब कमल है ब्लू कलर का। एक पैर उनका हमेशा आगे रहता है। तो ये दो चीजें क्या बताती हैं? हाथ में लिया हुआ लोटस बताता है कि लोटस प्रतीक है शांति का, आत्मिक शांति का प्रतीक है लोटस। लोटस प्रतीक है कि आप जीवन में कितना भी परेशानियों में घिरे हो, लेकिन आप उससे बाहर निकल आएंगे। कमल कीचड़ में ही खिलता है और कीचड़ में भी खिलकर ऊपर निकलता है और लोग पसंद करते हैं, यानी कि हर परेशानियों से आप भी लड़ सकते हैं। तो प्रतीक है लोटस इस चीज का, एक करेज का, हिम्मत का प्रतीक है लोटस। लोटस की तो अनेकों, और हिंदुइज्म में भी आप देखें तो मैंने व्याख्या करके भी सिखाया बताया था कि क्या क्या अर्थ है लोटस का। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही कि लोटस आपको शांति देगा, आपको मेंटल पीस तो देगा ही, उसके अलावा हिम्मत और ताकत भी देता है। तो माँ अपने हाथ में ली हुई है लोटस, साथ में माँ का एक पैर आगे बढ़ा हुआ है, यानी कि हमेशा रेडी है। आपने माँ को पुकारा और माँ ने आपकी मदद की, यानी कि जब भी आप परेशानी के वक्त आपने माँ को पुकारना शुरू किया, माँ का मंत्र का जाप शुरू किया, माँ आपकी मदद करने जरूर आती है। तो आप माँ की प्रतिमा को रख सकते हैं ऐसी जगह पे जहां पर पूरी फैमिली रहती है, यानी कि लिविंग रूम में आप रखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। माँ की प्रतिमा ऐसी जगह पे रखें जहां सब लोग बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं, टीवी देखते हैं, तो आप वहां पे कहीं भी माँ को रख लें और उससे आपके घर में हार्मनी, खुशहाली, प्रेम संबंध होंगे, घर में प्रेमपूर्ण संबंध, माहौल अच्छा होगा, खुशहाली। मतलब माँ की प्रतिमा को किसी एक पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता, जहां पर जो इंटेंशन आपका है उस इंटेंशन के लिए उसके हिसाब से आप रख लें। अगर आप चाहते हैं मेरे घर में खुशहाली रहे तो लिविंग रूम में कहीं भी रख लें, पर हमेशा याद रखें कि माँ की प्रतिमा कभी भी नीचाई पे ना रखें। कभी भी हम कोई भी देवी देवता की मूर्ति बहुत नीचे पे नहीं रखते हैं, हमेशा माँ की प्रतिमा ऊपर रखें। रोज पूजा करना आपको जरूरी नहीं होता, इसमें पूजा करने का ऐसा विधान नहीं है कि आपको रोज अगरबत्ती धूप दिया करना जरूरी है, वैसा कुछ नहीं है। आप जहां चाहे वहां माँ की प्रतिमा रख दे, बस माँ के मंत्र को सुनते रहे, माँ के मंत्र को गुनगुनाते रहे, घर में बजाते रहे, माँ की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेंगी। तो हार्मनी के लिए लिविंग रूम में रख लिया। अगर आप चाहते हैं घर में वेल्थ अच्छी हो, तो वेल्थ के लिए माँ का कलर है ग्रीन। वेल्थ का और प्रॉस्पेरिटी का कलर भी होता है ग्रीन। तो माँ को आप रखेंगे साउथ ईस्ट कॉर्नर में। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर सबसे दो चीजें होती हैं, या तो आप अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, तो घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर अगर कहीं दूर दराज पड़ता है, मान लो वहां पर कुछ आंगन है, कुछ है, तो आप नहीं रख पाएंगे। तो आप कहाँ रखें? अपने लिविंग रूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपको रख लें।
आपके लिविंग रूम का साउथ ईस्ट जो कॉर्नर होता है वो आपके लिए वेल्थ अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी लाने वाला होता है। तो वहां पर कहीं थोड़ी सी ऊंचाई पे माँ को रख लें, वहां से अगर आप रखेंगे तो माँ आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने देंगी, साथ में माँ के मंत्र को बजाते रहें। अगर घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, हेल्थ को लेकर इश्यू है, तो मंत्र तो बजाएंगे तो आप हर तरह की बीमारियां कट जाएंगी। मैंने बेनिफिट्स में भी बताया था कि जब ग्रीन तारा मंत्र बजता रहता है तो उस व्यक्ति को किसी भी तरह का रोग हो वो उससे मुक्त होने लगता है, घर में बीमारियां घर से बाहर निकलने लगती हैं। तो ग्रीन तारा माँ को रखिए घर के सेंटर में। अगर बीमारियां आपके घर में बहुत ज्यादा है, बीमारियों से आप परेशान हैं, तो घर के सेंटर में माँ की प्रतिमा को रख दीजिए। वहां पर रखने से बहुत जल्दी हेल्थ में सुधार होगा। तो ये है ग्रीन तारा माँ को रखने के तरीके। इसके अलावा भी जहां पर आपका मन, अगर आपको लगता है कैरियर में प्रॉब्लम हो रही है तो घर की नॉर्थ डायरेक्शन में आप रख लें या लिविंग रूम की नॉर्थ डायरेक्शन में रख लें। जिस भी फील्ड में आप चाहते हैं कि माँ की ब्लेसिंग्स मिले, अगर रिलेशनशिप खराब है आपका तो आप साउथ वेस्ट में रख लीजिए। तो माँ को जहां पर आप रखेंगे उस एरिए में माँ की ब्लेसिंग्स मिलने लगेगी। साथ ही माँ का मंत्र जापते रहिए और जो भी इंटेंशन है वो माँ को बताते रहिए, बहुत जल्दी जीवन आपका परिवर्तित होने लगेगा। तो साथियों, ये हुआ ग्रीन तारा माँ की स्टेच्यू को कहाँ पर आपको रखना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ सभी लोग पसंद करेंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ये वीडियोस को शेयर करेंगे। अगले वीडियो में मैं शालिनी फिर से मिलूंगी। नमस्ते।